उनको बता दीजिए कि केटीएम ड्यूक हमारी जो है पानी पे चलती है, मतलब 125 सीसी में 6 गियर की कोई गाड़ी है ही नहीं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम लोग फिर से आ चुके हैं एक और रिव्यू वीडियो के साथ। तो आप मेरे पीछे देख रहे हो हमारी केटीएम ड्यूक 125 सीसी, जिसका रिव्यू वीडियो कुछ दिन पहले मैंने डाला था और बहुत ज्यादा लोगों की मांग की वजह से फिर से हम लोग एक और रिव्यू वीडियो लेके आए हैं। पिछली वीडियो को आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया था, तो इस बार फिर से देखते हैं और आपको बताते हैं भाई क्या कुछ है। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। सामने आप देख पा रहे होंगे KTM 125 सीसी, KTM ड्यूक 125 सीसी है ये। और ये KTM का एक ऐसा बाइक है जो कि अभी तक का सबसे अच्छा बाइक माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि देखिए 125 सीसी में इतनी बेहतरीन गाड़ी शायद ही कोई कंपनी अभी दे रही होगी। और जो भी गाड़ियां आ रही हैं ड्यूक में, शायद वो भी इतनी अच्छी नहीं आ रही, क्योंकि 200 सीसी ले लीजिए उसके ऊपर की जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं सब कहीं ना कहीं आपको माइलेज का प्रॉब्लम होगा, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जानेंगे संदीप भाई से कि इस गाड़ी को क्यों लेना चाहिए। तो संदीप भाई थोड़ा बताइए दर्शकों को कि आप ये गाड़ी क्यों लेना चाहिए, क्यों हम लोग इस गाड़ी को खरीदें, क्या ऐसी इसमें अच्छी अच्छाइयाँ हैं कि हमें गाड़ी परचेज करना चाहिए। ये गाड़ी जानते हैं क्यों लेना चाहिए, थोड़ा तेज बताइए दर्शकों को, बताइए हमें नहीं, भावकाल बनी रहती है अलग ही। दर्शकों को बताइए सर। अरे अच्छा दर्शकों को, हाँ भाई आगे आ जाओ थोड़ा, थोड़ा कैमरा मैन आगे आ जाइए आप, थोड़ा सर को बताए बताइए। तो आगे पहले जा रहा है पीछे भाई, पीछे नहीं आगे गए यार। तो गाड़ियों का नहीं चाहिए बताइए, भावकाल अलग ही जमा रहा था इस पे बाइक लेने से, इसको रोला बोलते हैं अलग ही। तो भैया पहले, भैया जी आप पहले भावकाल पे काफी ध्यान रखते हैं, हमें जहाँ तक पता है। तो भावकाल के लिए पहले घुमाने में अलग ही मजा है खासकर। नहीं इसकी वो सब तो ठीक है, मगर इसकी जो अच्छाइयाँ हैं, जैसे लोग कहते हैं माइलेज या लुक, पहले जैसे ड्यूक आती थी 125 सीसी में तो उसका लुक जो है वो इतना अच्छा नहीं लगता था। अब आपका क्या कहेंगे, आपका इस बार का लुक तो बहुत अच्छा लगता है, कहीं खड़ी कर दो तो देखते हैं। और गाड़ियाँ आती हैं क्या उसमें 6 गियर हैं? नहीं, हाँ 4 गियर, इसमें 6 गियर है। तो इसमें सबसे पहली चीज तो देख लेंगे 6 गियर की गाड़ी, मतलब 125 सीसी में 6 गियर की कोई गाड़ी है ही नहीं। अगर आपको भी पता है कि 125 सीसी में 6 गियर की कोई गाड़ी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। क्यों संदीप भाई, कोई 6 गियर की है गाड़ी? हमारे इनके हिसाब से 6 गियर वाली कोई गाड़ी नहीं है, 125 सीसी। जो दर्शक कमेंट किए थे कि आप उनकी 40-45 देती, उनको बता दीजिए कि KTM ड्यूक हमारी जो है पानी पे चलती है। तो पानी आता है गंगा जी पीछे, गंगा जी बह रही है, हाँ, पीछे गंगा जी हैं, देख लीजिए यही पानी हमारी पानी है गंगा जी का, ये जमुना जी का पानी है, यही जो पानी है जमुना जी का वही हम अपने ड्यूक में डालते हैं। ये ड्यूक है और हम लोग यही की, ये 45 नहीं ये 50 का माइलेज देने लगती है। तो मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, हमारी गाड़ी 35-40 का माइलेज देती है। जो लोग ये कह रहे हैं भैया की 45-50 का माइलेज, तो ये भैया ड्यूक मान है गाड़ी अच्छी है, अच्छा है, लेकिन माइलेज इतना नहीं देती है। और बाकी अभी चलिए हम आपको कुछ सिनेमैटिक्स इसके दिखाते हैं। बात कर लेते हैं चाबी की, तो चाबी आपको ये मिल जाती है और डबल चाबी मिल जाती है भाई, क्योंकि हर गाड़ी के साथ चाबियां डबल ही मिल जाती हैं। और उसके साथ ही साथ आपको ये इसका की रिंग मिल जाएगा जिस पर KTM लिखा रहता है, बड़ी बढ़िया सी चाबी आप देख पा रहे होंगे, मस्त अच्छी सी। बाकी गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई भी आपको किसी भी तरह का दिक्कत प्रॉब्लम समझ में आई हो इस गाड़ी में, तो आप लोग हमें बता सकते हो ताकि मैं अगले वीडियो में अपने दर्शकों को बता सकूं। बाकी आप सब ने ये वीडियो देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आप सभी का, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए ताकि हम लोग और आगे बढ़ें। और इस बार ड्यूक लिया है, अगली बार आपको कावासाकी लेके रिव्यू दे उसका, तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।